इतनी लगन के साथ काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे कल्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की दही सकाफत को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखें। लेकिन इसकी इन चीज़ों को देख के हम बड़ा अम्यूज हो जाते थे और पेरेंट्स के तंग आवाम का जमे क्यों, क्या चाल है, ठीक है, कह रहे थे। आज हमारा वीलॉग है मुल्तान का सबसे मशहूर किला, इसे एक वैसे किला ही कहा जाता है, घंटाघर चौक के पास। तो ये मुदस्सर भाई हैं, हजासन रजा हम आए हैं। वैसे हम कल झील पे भी गए थे, वहाँ इतना जमे गफीर था कि हम 5 मिनट खड़े होकर वापस आ गए। वहाँ वीलॉग बनाने का हमें टाइम ही नहीं मिला, गर्मी हबस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज हम अपना जो वीलॉग है वो आपसे शेयर करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है, दोस्तों के साथ आए हुए हैं घूमने फिरने, और यहाँ का यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, बस इन्जॉयमेंट के लिए आए हुए हैं हम। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ। जी असर भाई, आप क्या कहेंगे? अभी तो एंटर भी नहीं हुए, अंदर जाएंगे तो पता लगेगा क्या मजा है। चले फिर अब एंटर होते हैं और आपको दिखाते हैं क्या यहाँ पे चल रहा है। वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल व्यू इट इज़। के सामने आपको दरबार नजर आ रही है शाहरुख ने आलम की, और ये मुल्तान किले का गेट। सो वी आर गोइंग टू एंटर। सुभान अल्लाह, पढ़े भाई पढ़े, माशाल्लाह। मुहम्मद, कितनी खूबसूरत आवाज। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। अब ये ऐसा फील हो रहा है जैसे हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। गर्मी इतनी है, हवस इतनी है कि पसीना हमारा रुक नहीं रहा। लोगों का रश, हजूम, यू कैन सी एट माय बैक। लेकिन हम फिर भी पूरा एडवेंचर करके जाएंगे। इंसान को एडवेंचर करते रहना चाहिए, इट्स अ लाइफ। यू शुड नॉट बी बोर्ड एट ऑल, यू शुड बी हैप्पी एंड गो आउटसाइड एंड लिव अ लग्जरियस लाइफ, है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बात बिल्कुल ठीक है। खूबसूरत, माशाल्लाह, यही हमारे मुल्क को ज़रूरत है। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो, इससे मुल्क को कौम को ही फ़ायदा। जिस तरह का आजकल मौसम हो चुके हैं सवेर किस्म के, ये जो बेदर एक दरख्त काटे जा रहे हैं, ये उसी को जाते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स इफ यू वांट टू लिव। टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं, लोग शूट किए जा रहे हैं, और देखिए किस तरह से उन्होंने इक्विपमेंट लिए हुए हैं। वाओ, फैमिलीज सारे आए हुए हैं, और हम वो सामने वाली जगह पे जा रहे हैं जहाँ से पूरे मुल्तान का व्यू आता है। अब हम एडवेंचर का बहुत शौक था, तो इसी का शौक पूरा करने इतनी गर्मी और हब्स में हम आए हैं। लेकिन अपना एडवेंचर पूरा करके जाना है हमने। जी जी, पूरा इंशाल्लाह। वो हमने किला देख के जाना है और लोगों को दिखाना है। अब ऊपर जा रहे हैं, अब ऊपर जा रहे हैं। आर्ट गैलरी दम दमा, वाह क्या नाम है। अब हम ऊपर जाएंगे और दिखाते हैं कि हर मंजिल पे क्या व्यूज है। ऊपर जाने का भी हमें टोकन देना पड़ेगा, ये हम दे रहे हैं पैसे, लेकिन टोकन खैर है 10 रुपए का। 3 हमने पर्चियां ली हैं, 3 बंदे हैं हम। So we are going upward. जो पुराना नाम है वो मुल्तान था। तो यहाँ अब हम जो एग्जीबिशन है, डिफरेंट सीनरीज, ड्राइंग्स, आर्ट्स, पाउट्स, सीरियसली यू कैन सी हियर हाउ ओल्ड सेक्शंस हैव बीन शोन हियर। एंड सबसे जो स्पेशल बात है, जो मुल्तान की सकाफत को दिखाया गया है, वो ये wow. ये डिफरेंट कल्चर्स को ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग ये देखें, आई थिंक आप लोग यहाँ पहले नहीं आए। यहाँ नहीं है? आप नहीं नहीं है पहले? यार इतने बड़े हो गए मुल्तान के, हो गए आप यहाँ नहीं है? यहाँ आए थे, यहाँ नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे नहीं है। हाँ, लेकिन अभी ये जिस हालत में थी, उस खस्ता हालत में अब हो गई है। ये बहुत ही नायाब चीज़ थी, इसे डिकोर करके रखा जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। देखें इनकी क्या खस्ता हालत हुई हुई है। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट। व्हाट इज दिस? द विलेज कल्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की दही सकाफत को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखें। लेकिन इसका केयर करना चाहिए। आ चुके हैं, यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर को मैंने आपको दिखाया जहाँ पे मुल्तान की सकाफत को, दही सकाफत को और डिफरेंट आर्ट्स कल्चर को दिखाया गया। यहाँ भी दिखाते हैं क्या। इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सबसे जो खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई है वो ये है कि किले को जो मैप है उसको प्रोटोटाइप थ्रू दिखाया गया है। देखें, ये हो गया हमारा दरबार गोस पार्क नॉर्मल, ये हमारा दरबार आलिया शाहरुख ने आलम, ये घंटाघर चौक, ये वहाँ पे सेंटर में जो घंटाघर की है, और ये हमारा हो गया जहाँ पे हम आए हुए हैं दम दमा। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं,
सारा कुछ चेक कर रहे हैं, यू कैन सी एंड यू कैन एंजॉय। वाओ, आर्ट कल्चर को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। बस थोड़ी सी और एहतियात और ख्याल की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर। बाकी अमेजिंग वर्क, अमेजिंग टास्क, अमेजिंग एग्जीबिशन। अब मैं कहूँगा कि हमने अपने 10 रुपये ज़ाया नहीं किए। हमने अपने 10 रुपये ज़ाया तो नहीं किए ना, जो हमने टिकट लिए 10 रुपये हलाल हुए। हसन, गर्मी का आंसर बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस जो मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट सेंटेंस लगा है, बिलीव इन नथिंग बट योर सेल्फ, कुदरत मादी के अलावा किसी पर भरोसा मत करें। वाह, और ये साथ ही पाकिस्तान का मैप दिखाया गया। हाउ इट इज इट हैज बीन प्रेजेंटेड, इट्स रियली नाइस। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरकार, इट्स अ टॉप फ्लोर ऑफ मुल्तान। मगरिब का भी टाइम है, अजानें हो रही हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नजर। और ये वो जगह है जहाँ से तकरीबन मुल्तान का अक्सर बेशतर व्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ आगे चल के, और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन पूरे मुल्तान का व्यू नज़र आता है यहाँ से, वो दूर दूर तक। जितना इसका मैक्सिमम जूम हो सकता है कैमरे का मैं कर रहा हूँ, तो देखें ये कहाँ कहाँ तक हमें ये दिखाई देता है। वाओ, अभी तो 4x हुआ है, इट्स गोना बी 10x, लेकिन होना अभी पैक। लेकिन आप देखें कितना ऊंचाई पे हम खड़े हैं। वाओ, ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन ये दूर हैं क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है। तो देखें मुल्तान की ऊंचाई चारों तरफ, इतनी खूबसूरत मनाजिर। और यहाँ ऐसे फील हो रहा है कि गर्मी है ही नहीं। जब हम नीचे खड़े थे हमारी मरने वाली हालत थी, लेकिन यहाँ आते ऐसा फील हो रहा है कि गर्मी है ही नहीं। वाम आई जा रही है, आई जा रही है। उन्हें पता है क्योंकि नीचे गर्मी बहुत है। एडवेंचर तो करना था हमने, वो किया है हमने। हसन कैसा फील हो रहा है, पहले आए हो यहाँ? अब बेहतर फील हो रहा है, हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। नीचे कैसा फील हो रहा था, नीचे और ऊपर में क्या फर्क है? नीचे ऐसा लग रहा था कि बाकी हम ऊपर जाने वाले हैं। जा नहीं रहे। आप बताएं मुझे सर भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। नीचे तो बहुत गर्मी थी। बाकी अब काफी अच्छा मौसम। अब देखें कितना ऊंचाई पे हम हैं। वाह, मुल्तान की शान है यार ये किला। बाकी बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है, यू कैन सर्च ऑन गूगल। डिफरेंट सिटीज से यहाँ घूमने मुल्तान की काफत को, कल्चर को देखने और मुल्तान को देखने। जी भाई, आप कहाँ से? मुजफ्फरगढ़ से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। आज ही आए हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं फारूक भाई? बहुत अच्छा। मौसम की मतलब इतना हबस है, इतनी गर्मी है, तो क्या चीज़ आपको यहाँ लेके आई है? मतलब कि क्या? वैसे शौक था कि मुल्तान में जाना है हमने, मुल्तान सुल्तान है। जी, मुजफ्फरगढ़ थोड़ा चलो करीब हो जाता है, ये बैठे हैं शुजाबादी। आपका भाई नाम? अब्दुल बासित भाई। आप भाई कहाँ से? शुजाबाद से। तो कैसे फील कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत अच्छा। थोड़ा लाउड बोले ताकि आवाज़ भी जाए ना। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, आप भी आ रहे हैं? तीनों दोस्त हैं? जी जी। ओके, ये तीनों दोस्त हैं भाई। ये भाई भी हैं हमारे साथ जो अभी ज्यादा बोलेंगे, तो इसलिए मैंने इनसे क्वेश्चन करना है। आप कहाँ से भाई? करोड़ पक्का से भाई। ये करोड़ पक्का जो लोधरा के पास हो जाता है। तो कैसे फील कर रहे हैं आप यहाँ पे, और ये लोग आपके साथ, ये डिफरेंट सिटी के हैं भाई, बासित भाई, ये शुजाबाद के, ये मुजफ्फरगढ़ के, आप लोगों का आपस में ताल्लुक कैसे है? अच्छा, दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं, आपस में कनेक्शन है। ठीक है ठीक है। और खुशियाँ? ठीक है, हम मुल्तानी हैं। आप कोई भी यहाँ पे तंगी हो आप हमें कह सकते हैं। ठीक है, यू ऑल आर वेलकम हेयर। जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं हमने वेलकम किया था। थैंक यू। इतनी लगन के साथ काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे, इन्हें चाचा जी सिवैया कहते हैं ना, सिवैया इनको इन्होंने बनाई हुई है। और ये बहुत ही मुनासिब दाम में, आज की इतनी महंगाई में सिर्फ 20 रुपये का पैकेट इन्होंने लगाया हुआ है। अल्लाह इनके रिस्क में बरकत डाले और इन्हें कामयाब करे। जैसे जैसे अंधेरा छाया जा रहा है, रश बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब हम नीचे जाते हैं और दरबार शाह रुकने आलम पे ज़्यारत करते हैं, क्योंकि जो यहाँ है वो दरबार पे लाजिम ज़्यारत करनी चाहिए, फातह खानी फातह पढ़ना चाहिए। क्या बचपन की यादें, बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन यहाँ पे आज सब जवान ही खड़े, कोई बचपन वाला नहीं खड़ा। इन चीज़ों को देख के हम बड़ा अम्यूज़ हो जाते थे और पेरेंट्स को तंग करते थे कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। क्या बात है, बचपन में बड़ा अब में बड़ा फ़र्क है। वी आर एंटरिंग इन दरबार, सो दिखाते हैं अंदर का सीन। ये हैं अंदर के खूबसूरत मनाज़िर। या अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह जल्ला जलालहु, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसकी थोड़ी लाइट डिम करके ताकि हमें क्या बात है, क्या बात है। हजरत शाह रुकने आलम आज का एडवेंचर जो था ख़त्म हो चुका है। देखिए क्या हालत हुई है हमारी, सीने से निढाल जी। मुदस्सिर भाई कैसा फील किया आपने? बहुत अच्छा फील किया, बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ पे किले में आके। इतना गर्मी में आपको मज़ा आ गया? मज़ा इसलिए है मतलब यहाँ की बन गई। लेकिन हसन ने आपको भेज दी नहीं है? वो भेजेगा। हाँ हसन बताओ आपने कैसा फील किया? मैं थक गया। थक गए हो? आपकी भी देखो हालत बिल्कुल हालत हो चुकी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू। सो गाइस टेक केयर, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।